हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। डिसीज़ ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस चैप्टर से आप लोगों को हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। और जो आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है FCI, जो आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, उसमें से यहाँ से आप लोगों को हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जो कैंडिडेट 21 एंड 29 को अपियर होने वाले हैं, उनको भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और जब आप लोगों का फेज 2 कंडक्ट करवाया जाएगा, वहाँ पर भी आप लोगों को इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बायोलॉजी के अंडर आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग MCQ टाइप करेंगे। किस टाइप के MCQ करेंगे? अगर आप लोग चाहेंगे कि सर इसके वन लाइनर भी करवा दीजिए, तो आप लोग उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इसके वन लाइनर भी करवा दूंगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इंसेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन। ऐसे कौन से इंसेक्ट होते हैं जो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमन के अंदर? तो उन इंसेक्ट को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं वैक्टर्स। तो ये आप लोग याद रखना, क्या बोलते हैं उनको? वैक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ऐसी कौन सी डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है? तो उन कौन कौन सी होते हैं? जो आप लोगों का एड्स होता है, बिल्कुल वायरस से होता है, ये भी ट्रांसमिट होता है। आप लोगों का सिरोसिस होता है, ये ट्रांसमिट नहीं होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। बाकी जो आप लोगों की सिफिलिस होती है, ये भी आप लोगों की ट्रांसमिट हो सकती है। और जो आप लोगों का हेपेटाइटिस भी, ये वायरस से डिजीज होने वाली है, तो ये भी आप लोगों की एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा आप लोगों का, 1, 3 एंड 4 हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं 1, 3 एंड 4 किस ऑप्शन में। तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नेक्स्ट देख लेते हैं, वन ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड कॉमनली फेस बाय द वर्कर ऑफ सिरामिक्स। जो आप लोगों की सिरामिक्स के वर्कर्स होते हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री में वर्कर्स होते हैं, और आप लोगों के जो ग्लास इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, वर्कर होते हैं, तो उन्हें मेनली कौन सी डिजीज हो जाती है? तो जो उनको डिजीज हो जाती है, उसको बोलते हैं सिलिकोसिस। कौन सी डिजीज हो जाती है? सिलिकोसिस डिजीज हो जाती है उनको, जो सिरामिक्स वगैरह की फैक्ट्री में वर्क करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द एंटी मलेरियल ड्रग क्विनिन इज मेड फ्रॉम द प्लांट। ये एक एंटी क्विनिन मलेरिया की ड्रग होती है, ये किस प्लांट से बनती है? तो एक प्लांट होता है आप लोगों का सिनकोना। तो सिनकोला की जो बार्क होती है ना, छाल बोलते हैं जिसको, उससे ये डिसीज, इससे आप लोगों की ड्रग बनती है क्विनाइन। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जो हाइपरटेंशन जो होता है आप लोगों का, ये किस लिए यूज होता है कि हाइपरटेंशन हो रहा है? तो आप लोगों को पता है हाई ब्लड प्रेशर, क्या जब आप लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, तो आप लोगों को क्या बोलते हैं डॉक्टर? कि आप लोगों को हाइपरटेंशन है। क्या टेंशन? हाइपरटेंशन। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का, एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज। तो जो लेड की पॉइजनिंग होती है, उसको दूसरे नाम से किसके बोलते हैं? तो आप लोगों को पता होने, तो लेड किसका, जो लेड का सिंबल होता है जो PB, वो बनाई किससे? प्लम्बिज्म। तो किससे? जो प्लम्बिज्म। तो एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज द प्लम्बिज्म। इटाइटाई कैडमियम की वजह से होती है। आप लोग जानते हैं कि इटाइटाई किसकी वजह से होती है? कैडमियम की वजह से होती है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होती है, ये किसके लिए यूज की जाती है? तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज रिकमेंडेड फॉर, तो किस डिजीज के लिए की जाती है? तो जब आप लोगों में पानी की कमी हो जाती है, तभी आप लोगों को क्या दिया जाता है? ORS दो। तो ये किसकी वजह से? ये आप लोगों को डायरिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, डायरिया की वजह से बॉडी में पानी की कमी हो गई है, तो उसको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। तो ये इफेक्ट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इसमें आप लोगों को मैच द फॉलोइंग करने है कि कौन सा कॉलम मैच करता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, मैं आप लोगों को कॉलम दिखा देता हूँ। एड्स टेस्ट किससे, किसके द्वारा करते हैं? तो एड्स टेस्ट करते हैं एलिसा टेस्ट। आप लोग जानते हैं किस टेस्ट से होता है एड्स का चेकअप? आप लोगों का वायरस से होता है, और एलिसा टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद जो आप लोगों का टाइफाइड होता है, हर कोई जानता है कि टाइफाइड के लिए जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। तो इन दोनों ऑप्शन से आप लोग इसका करेक्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इनका ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो इसका हो जाएगा आप लोगों का, ए का हो जाएगा आप लोगों का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड आप लोगों को ए और डी दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। और जो आप लोगों का सी हो जाएगा, सी का आप लोगों का वन हो जाएगा। तो ए का थर्ड एंड सी का वन आप लोगों का इस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का ए का थर्ड हो जाएगा, सी का वन हो जाएगा, और बी का टू हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का, आंसर भी होगा इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय द प्रोटोजोवा। तो इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है प्रोटोजोवा की वजह से होती है? तो कौन सी होती है आप लोगों की? ये होती है आप लोगों की मलेरिया। तो मलेरिया किससे होती है? एक प्रोटोजोवल डिसीज है। कौन सी? मलेरिया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एडिस एजप्टी। तो एडिस एजप्टी से कौन सी जो डिसीज है वो ट्रांसमिट नहीं होती है? तो आप लोगों को बताना है, चिकनगुनिया, डेंगू, और आप लोगों का जो चिकन पॉक्स है। तो ये आप लोगों का ऑप्शन सी है, जो चिकन पॉक्स है, ये आप लोगों का
एडिस एडजेप्टी टाइप का जो मस्किट होता है उससे ट्रांसमिट नहीं होती है। तो ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वाज प्रिपेयर्ड बाय, पोलियो की जो पहली वैक्सीन है ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये बनवाई गई थी जोनास ई सॉल्ट के द्वारा पहली वैक्सीन बनाई गई थी। अगर आप लोगों को पूछे जो आप लोगों को ड्रॉप पिलाई जाती है ओरल ड्रॉप, वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? तो उसको बोलते हैं अल्बर्ट सेबिन। किसके द्वारा? अल्बर्ट सेबिन के द्वारा आप लोगों की ओरल ड्रॉप की डिस्कवरी की गई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का मिनी माता, जो आप लोगों की मिनी माता डिजीज़ है किसकी वजह से होती है? तो जो मिनी माता डिजीज़ है आप लोगों की मरकरी की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? मरकरी की वजह से होती है। लेड की वजह से आप लोगों का प्लम्बिज्म होता है और कैडमियम की वजह से आप लोगों की इटाई इटाई होती है। कौन सी? इटाई इटाई। उसके बाद देख लेते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 आता है आप लोगों का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कोज मलेरिया, जो मलेरिया होता है वो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म से होता है? तो ये होता है आप लोगों का प्रोटोजोवल। किससे होता है? मलेरिया एक प्रोटोजोवल डिजीज़ है। हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, ये वायरल डिजीज़ है। और आप लोगों का जो फंगल डिजीज़ होती है, जैसे आप लोगों का रिंग वर्म वगैरह होती है, वो फंगल डिजीज़ है। और जो टीबी होती है वो आप लोगों की बैक्टीरियल डिजीज़ है, टीबी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कोज बाय द वायरस, ऐसी कौन सी डिजीज है जो वायरस से नहीं होती है? चिकन पॉक्स बिल्कुल वायरस से होती है, हेपेटाइटिस बिल्कुल वायरस से होती है, और जो मीजल्स होता है, खसरा होता है, ये भी आप लोगों का वायरस से होता है। तो जो उसका जो कोलरा, जो कोलरा डिजीज है, ये आप लोगों की वायरस से नहीं होती है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इफ द लेंस इन आई बिकम्स ओपैक, जब आप लोगों का आई के जो अंदर लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। जब वो आप लोगों का ओपैक हो जाता है तो उस केस में जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। कौन सी डिजीज बोलते हैं? कैटरैक्ट, और हिंदी में इसको मोतिया बिंद बोलते हैं। कौन सी डिजीज? कैटरैक्ट। या आप लोगों का एस्टिगमेटिज्म, ये भी आप लोगों की आंखों की बीमारी है। ग्लूकोमा, ये भी आप लोगों की आंखों की बीमारी है। तो आप लोग इनके बारे में भी ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 आता है, द टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल लीड्स टू द लीवर सिरोसिस, तो किस मेटल के डिपोजिशन से लीवर सिरोसिस नाम की डिसीज हो जाती है? तो उसको बोलते हैं कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर। लेड की वजह से प्लम्बिज्म होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मरकरी की वजह से आप लोगों की मिनी माता डिसीज होती है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17, टाइफाइड जो होता है, जो टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, कैसी? पहले आप लोगों को पता होना चाहिए टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो उस बैक्टीरिया का नाम पूछा है जो इस डिजीज़ को काज करता है, तो उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ भी टाइफी है, यहाँ भी, तो इससे आप लोग रिलेट करके बता सकते हैं उस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोग का, जो BCG की वैक्सीन होती है, BCG की वैक्सीन होती है, किस बीमारी के लिए दी जाती है? तो सबसे पहले आप लोगों को BCG की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं बैसिलट कैलमेट ग्यूरिन BCG की फुल फॉर्म होती है। और ये जो दी जाती है आप लोगों को ट्यूबरक्लोसिस की वजह से दी जाती है। किसकी वजह से? ट्यूबरक्लोसिस के इम्यूनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों को BCG का टीका दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कोज बाय द वायरस, ऐसी कौन सी डिसीज है जो वायरस से होती है? टीबी आप लोगों की बैक्टीरिया से होती है, टाइफाइड आप लोगों की बैक्टीरिया से होती है, इन्फ्लुएंजा आप लोगों की वायरस से होती है। तो इन्फ्लुएंजा ऐसी डिसीज है जो आप लोगों की वायरस से होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, मलेरिया इन ह्यूमन बॉडी इज कोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, मलेरिया किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? तो मलेरिया एक प्रोटोजोवल डिसीज है। कैसी? प्रोटोजोवल डिसीज। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जो रिंग वर्म होते हैं बॉडी में, दांत वगैरह होते हैं, उनको रिंग वर्म बोलते हैं। ये एक डिसीज है, ये किस टाइप की डिसीज है? तो ये आप लोगों की फंगल डिसीज है। कैसी डिसीज है? फंगल डिसीज है। मलेरिया आप लोगों का प्रोटोजोवा से होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 21। उसके बाद देख लेते हैं 22 आता है आप लोगों का, वाट इज़ द नेम ऑफ द डिजीज इन मैन अराइजिंग आउट ऑफ विटामिन B1, तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? तो B1 की वजह से होती है आप लोगों की बेरी। कौन सी होती है? बेरी, विटामिन B1 की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 आता है, द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट अफेक्ट द स्किन, तो किस न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी हमारे स्किन को अफेक्ट करती है? तो इसका जो आप लोगों का आयरन नहीं होगा तो इसका हो जाएगा राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरोडोक्सिन और पेंटोथेनिक एसिड। ये आप लोगों के बी के ही कॉम्प्लेक्स विटामिन बी बोलते हैं, तो उसी के टाइप से आप लोगों के राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरोडोक्सिन, तो इसकी वजह से आप लोगों की स्किन को अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, बट दस नियासिन, तो नियासिन जो होता है ये इसका मीन किसकी वजह कोज भाई, तो नियासिन किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आप लोगों का पेलाग्रा। तो क्या होता है? व्हाट डज नियासिन डिफिशियंसी, नियासिन की डिफिशियंसी से क्या होता है आप लोगों का? पेलाग्रा डिसीज हो जाती है। कौन सी? पेलाग्रा। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द विटामिन B6,
जो आप लोगों का बी सिक्स का जो इफेक्ट होता है वो पूछा है कि विटामिन बी सिक्स की वजह से क्या इफेक्ट होता है। तो आप लोगों का जो डर्मे जो स्किन की डिसीज होती है एनीमिया, विटामिन बी सिक्स की वजह से आप लोगों का एनीमिया हो जाता है। अब एनीमिया आप लोगों का किस किस की विटामिन से होता है मैं आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। जब भी आप लोगों को विटामिन बी सिक्स दिखे, विटामिन बी नाइन दिखे और विटामिन बी ट्वेल्व दिखे, तो ये 6, 9 और 12 इनमें कहीं ना कहीं इनकी कमी से इनडायरेक्टली आप लोगों को एनीमिया होता है, खून की कमी होती है। 6, 9, 12 ध्यान रखना है, 6, 9, 12 इनके आप लोगों को केमिकल नेम तीनों के आप लोगों को कमेंट करके बताने कि विटामिन बी सिक्स का क्या होता है, विटामिन बी नाइन का होता है, विटामिन बी ट्वेल्व का मैं आप लोगों को साइनोकोबालमिन होता है जिसको आप लोग इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो विटामिन बी सिक्स एंड बी नाइन का आप लोग कमेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज एसोसिएटेड विच विटामिन सी डिफिशियंसी। तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सी होती है, तो ये होती है आप लोगों की स्कर्वी। कौन सी होती है, स्कर्वी होती है विटामिन सी की डिफिशियंसी से। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट डज विटामिन के डेफिशिएंसी, जो विटामिन के होता है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो इसमें आप लोगों का जो ब्लड का जो कोगुलेशन होता है, जो खून का थक्का होता है, वो जमने में प्रॉब्लम होती है, तो उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो आप लोगों का प्रॉब्लम इन द ब्लड कोएगुलेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर डी बी हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यूजिंग प्रिजर्वेटिव ऑन ए रेगुलर बेसिस इज हार्मफुल टू द हेल्थ, तो विच डेफिशिएंसी डज इट कोज। तो इसकी जो डेफिशिएंसी हमारे शरीर में क्या कर देती है अगर आप लोग रेगुलर टाइम पर प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, तो इसमें हमारी जो बॉडी है उसमें पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। किसकी डेफिशिएंसी, पोटेशियम की, अगर आप लोग लंबे टाइम तक प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आता है, इसमें दे रखा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो ये आप लोगों का रिकेट्स होता है, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, वाट इज द कंडीशन नोन एज द विच द बॉडी डज नॉट गेट इट्स फेयर शेयर ऑफ न्यूट्रेंट। अच्छी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रेंट को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, आइदर फ्रॉम स्टारवेशन भूख की वजह से या फिर रिजल्ट ऑफ द पुअर अब्जॉर्प्शन, यानी हमारी बॉडी का जो अब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो पुअर हो जाता है। तो वो किस टाइप की जो कंडीशन होती है, वो होती है आप लोगों की मेल न्यूट्रिशन। कौन सी होती है, मेल न्यूट्रिशन। ये जो मेल वर्ड होता है ये आप लोगों का एक गंदा नेगेटिव मीनिंग देता है मेल, तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा क्या होता है इसका, मेल न्यूट्रिशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 31, नाइट ब्लाइंडनेस डाइंग ऑफ कंजक्टिविटा ड्राई एंड स्केली स्किन एंड लॉस ऑफ हेयर आर सम सिम्टम। तो ये किसके सिस्टम होते हैं, ये आप लोगों के तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के, किसके, विटामिन ए के, ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग वन लाइनर की फॉर्म में देख लेते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन वन लाइनर देख लेते हैं। तो वन लाइनर में क्या क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है बोन, दो बोन को ज्वाइंट करने वाले ज्वाइंट का नाम पूछा है। तो जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं लिगामेंट, तो बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट बोलते हैं। और जो आप लोगों का मसल को मसल से कनेक्ट करता है, जो आप लोगों का मसल से मसल को कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं हम लिगा, क्या बोलते हैं, टेंडन, क्या बोलते हैं, टेंडन। तो ये दोनों ध्यान रखना आप लोग, टेंडन भी एंड लिगामेंट भी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज द लार्जेस्ट ज्वाइंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ज्वाइंट कौन सा होता है, तो ये आप लोगों का नी ज्वाइंट होता है। कौन सा, नी ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी बोन, कितनी होती है, 206 होती है, और मसल पूछे तो 639 होती है, ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ह्यूमन बोन इज मेड, तो हमारी जो हड्डियाँ किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्मॉलेस्ट बोन, हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो हमारे एक ईयर यानी कान की हड्डी है, और जो हमारी सबसे बड़ी होती है वो आप लोगों की फीमर होती है, जो हमारी जांग की हड्डी होती है। कौन सी, फीमर हड्डी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं, लैक ऑफ द व्हाट कॉज डायबिटीज। तो डायबिटीज किसकी वजह से होती है, तो ये आप लोगों की इंसुलिन की वजह से होती है। इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन है, और ये हार्मोन कहां से रिलीज होता है, तो पैनक्रियाटिक सेल, तो किससे निकलता है, पैनक्रियाटिक से, और जो पैनक्रियाटिक से हार्मोन निकलता है इंसुलिन होता है। और ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंसुलिन में कौन सी मेटल होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना जिंक मेटल होती है। और बात करें इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बैटिंग एंड बेस्ट के द्वारा, बैटिंग एंड बेस्ट के द्वारा आप लोगों की इंसुलिन की खोज गई थी। और उससे जो बेटा सेल होती है, बेटा कोशिका से ये हार्मोन निकलता है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, तो विटामिन बी की वजह से होता है बेरी बेरी, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, और विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, और विटामिन ए की वजह से आप लोगों का वो होता है जो आंखों की डिसीज होती है, विटामिन बी हो जाएगा। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, विटामिन डी इज आल्सो नोन एज द, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि सन से मिलता है। उसके बाद इसको एक हार्मोन भी बोलते हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस विटामिन को हार्मोन भी बोलते हैं, तो हार्मोन भी बोलते हैं विटामिन डी को। और ये जो कोट लीवर होता है, जो फिश का लीवर होता है, वहाँ से भी आप लोगों को विटामिन डी मिल सकता है। तो तीन सोर्स होते हैं, सनलाइट, विटामिन डी, और ये आप लोगों का उसके क्या नाम, फिश के लीवर से भी आप लोगों को मिल सकता है विटामिन डी।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द वाइटामिन विच वाटर सोलेबल। तो वाटर सोलेबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो जो इसकी ट्रिक होती है वाटर सोलेबल होते हैं आप लोगों के बी और सी होते हैं, और जो आप लोगों के फैट सोलेबल होते हैं वो आप लोगों के कीड़ा करके होता है कीड़ा। तो ये आप लोगों के फैट सोलेबल है कीड़ा, और जो आप लोगों के बी और सी है आप लोगों के वो वाटर सोलेबल है। तो दोनों आप लोग याद रख लेना, फैट सोलेबल एंड वाटर सोलेबल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ए वाइटामिन दैट प्ले वाइटल रोल इन द कोएगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। ब्लड की जो कोएगुलेशन प्रॉपर्टी है उसको, उसमें कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, तो उसमें जो कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है आप लोगों का विटामिन के होता है। रिकेट्स किसकी वजह से होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन डी का केमिकल नेम पूछा है, तो व्हाट इज द विटामिन डी का केमिकल नेम होता है आप लोगों का कैल्सीफिरोल। क्या होता है, कैल्सीफिरोल होता है विटामिन डी का केमिकल नेम। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का पूछा है कि जो स्कर्वी डिजीज होती है इसका किसकी वजह से होती है, तो स्कर्वी होती है आप लोगों की एस्कॉर्बिक एसिड। किसकी वजह से, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी टू से क्या नाम होता है, राइबोफ्लेविन। आप लोग ध्यान रख लेना, विटामिन बी ट्वेल्व से इनडायरेक्टली एनीमिया ही होता है बी ट्वेल्व से, और इसमें साइनोकोबालमिन होता है, कोबाल्ट मेटल पाई जाती है विटामिन बी ट्वेल्व में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेंबरिंग ड्रीम्स। जो आप लोगों के सपने होते हैं उनको याद रखने के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, तो ये कौन सा विटामिन होता है, ये आप लोगों का होता है विटामिन B6। तो B6 आप लोगों का हेल्पफुल होता है जो आप लोगों के ड्रीम्स होते हैं उनको याद करने के लिए। विटामिन B6 को केमिकल नेम पूछा है, तो आप लोग आ चुका है विटामिन B6 का जो केमिकल नेम होता है पाइरोडोक्सिन होता है। टोकोफिरोल किसका होता है, ये आप लोगों का विटामिन ई का होता है टोकोफिरोल, और जो राइबोफ्लेविन होता है ये आप लोगों का B2 का होता है। किसका, B2 का राइबोफ्लेविन होता है। उसके बाद विटामिन B12 में क्या होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कोबाल्ट होता है, और इसका जो केमिकल नेम होता है उसको बोलते हैं साइनोकोबालमीन। क्या बोलते हैं, साइनोकोबालमीन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, प्रेजेंस ऑफ द विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स इन वाटर कोज द ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की जो डिसीज होती है ये किस किस कौन से सॉल्ट की वजह से, तो ये होता है आप लोगों का नाइट्रेट। तो नाइट्रेट की वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज करेक्टेड बाय द कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। तो कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी को क्या बोलते हैं, एमनेशिया बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखने ना, कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एज द एमनेशिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है, डाल्टोनिज्म इज द नेम रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर एज दिस नेम वाज कैप्ट इन होनर ऑफ द जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन के सम्मान में एक डिसीज का नाम रखा गया डाल्टोनिज्म। तो ये पूछा है, द फादर ऑफ द एटॉमिक थ्योरी, जो जिनको बोलते हैं एटॉमिक फादर का पिता बोलते हैं, जो एटॉमिक थ्योरी आई थी, तो वो कौन सी डिसीज है, तो वो होती है आप लोगों की कलर ब्लाइंडनेस। कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोगों का, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस को बोलते हैं डाल्टोनिज्म, जिसका जो नाम रखा गया है आप लोगों का जोल डाल्टन के नाम पर रखा है। कौन सी, डाल्टोनिज्म, आल्सो नोन एज द कलर ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन विच ऑफ द अबंग फॉलोइंग डिसीज सीड थेरेपी इज नाउ यूज ए डे ऑफ ट्रीटमेंट। तो जो सीड थेरेपी होती है ये किस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो ये होती है आप लोग जानते हैं कि ये होती है कैंसर में। किस में, कैंसर में। ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, क्रोनिक एक्सपोजर टू विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल सोल्ट इन ग्राउंड वाटर में कोज द ब्लैक फुट। जो आप लोगों का ब्लैक फुट होता है तो ये किसकी वजह से होता है ब्लैक फुट, ये होता है आप लोगों का आर्सेनिक की वजह से। किससे होता है, आर्सेनिक की वजह से होता है। क्रोनिक एक्सपोजर होता है कि लंबे टाइम तक किसके एक्सपोजर में आप लोगों को कौन सी हो जाती है कोज द ब्लैक फुट डिसीज, तो ये होता है आप लोगों का आर्सेनिक। ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसी कौन सी डिसीज है जो नॉन कम्युनिकेबल होती है, तो कौन सी होती है आप लोगों की, कैंसर आप लोगों का कम्युनिकेट नहीं होता है, तो ये आप लोगों का जो ऑप्शन हो जाएगा डायबिटीज, ये भी नहीं कम्युनिकेट होती है, और जो हाइपरटेंशन है ये भी कम्युनिकेट नहीं होती, तो आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो हो जाएगा आप लोगों का इसमें डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग ने इंजरी इज डिफिशियंसी ऑफ। तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लड निकलेगा तो किस विटामिन की कमी हो जाएगी, तो आप लोगों का किसकी हो जाएगी, विटामिन के की कमी हो जाएगी आप लोगों का। तो ऑप्शन आप लोगों का सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ग्वाइटर एंड इनलार्ज थायरॉयड ग्लैंड आर मेनली डायग्नोज इन पेशेंट विद डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। तो किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उस केस में आप लोगों को आयोडीन की हो जाती है। ग्वाइटर में किसकी होती है, आयोडीन की। ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कोज बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी होती है, ये होती है आप लोगों की क्वासी योर्कर। एनीमिया में आप लोगों को बता चुका हूँ, B6, B9 एंड B12 ये आप लोगों का एनीमिया होता है। तो इसका आप लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज नियासिन। तो नियासिन किसको बोलते हैं, तो विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। जेरेप्टोथैलेमिया कोज बाय ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो जेरेप्टोथैलेमिया डिजीज होती है ये
किसकी डेफिशिएंसी से होती है? ये आप लोगों की होती है विटामिन ए की वजह से। तो आप सब लोगों का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। कौन सी ऐसी है जो आप लोगों की इन्फेक्शियस डिजीज है? तो जो आप लोगों की इन्फेक्शियस डिजीज हो जाएगी आप लोगों की जो स्कर्वी डिजीज होती है, जो स्कर्वी होती है ये आप लोगों की इन्फेक्शियस होती है, ये आप लोगों की नॉट एन इन्फेक्शियस, ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। कौन सी? स्कर्वी। बाकी डेंगू, टाइफाइड और ये आप लोगों की वूपिंग कप, ये आप लोगों की इन्फेक्शियस डिजीज में आती है। तो ऑप्शन आप लोगों का बी करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ द कॉम्बिनेशन वैक्सीन गिवन टू द चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट टेटनस, वूपिंग कप एंड डिप्थीरिया। टेटनस, वूपिंग कप एंड डिप्थीरिया के प्रोटेक्शन के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो ये दी जाती है आप लोगों को डी पी टी। तो आप लोगों का जो बीसीजी आप लोग न्यू बॉर्न के लिए दी जाती है, जो नए नए बच्चे होते हैं जो आप बीसीजी, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा डी पी टी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों क्वेश्चन नंबर 71, ऑफ द फॉलोइंग वन इज द मोस्ट फैटल, जो आप लोग सबसे ज्यादा खतरनाक कौन से डिसीज? तो कैंसर आप लोगों की सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एलिफेंटियासिस, जो एलिफेंटियासिस होती है ये आप लोगों की किसकी वजह से होती है? तो ये होती है आप लोगों की फाइलेरियन वर्म्स जो होते हैं उनकी वजह से। कौन सी होती है? आप लोगों की हाथी पांव भी बोलते हैं एलिफेंटियासिस, तो ये आप लोगों का फाइलेरियन वर्म्स की वजह से होती है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 73, हाइपोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज, तो हाइपोकॉन्ड्रिया को एक आलसो क्या बोलते हैं? तो इसका दूसरा नाम होता है हेल्थ की एंजाइटी। जब आप बहुत ज्यादा एंजाइट हो जाते हैं अपनी हेल्थ को लेकर तो उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन आप लोगों का सीक्रेट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन, तो ये कंप्लीट मैंने आप लोगों को चैप्टर करवा दिया गया है। कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो आप लोगों को मैं 5 से 7 मिनट में वन लाइनर की फॉर्म में करवा दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज आप लोग हाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। उस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन पीडीएफ आप लोगों को शाम तक मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।